कॉलेज असातिज़ा का धरना, पांचवें रोज में दाखिल। कौम के मामारों के मसाइल सुनने कोई ना आया। पंजाब भर के कॉलेजों में निजामी तालीम शदीद मुतासिर। ज़िले इंतजामिया भी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम। चेरिंग क्रॉस की सीट लाइट्स बंद कर दी। मुजाहिरीन अंधेरे में डूब गए। पैफ पार्टनर स्कूलों का एक बार फिर एहतजाज का इंदिया। पैफ स्कूल्स के दाखिलों पर पाबंदी खत्म की जाए। वेलफेयर स्कूल्स को टैक्स फ्री करार दिया जाए। सदर पैफ पार्टनर स्कूल एसोसिएशन मियां शब्बीर। मुतालिबात पूरे न हुए तो पंजाब भर के स्कूल्स बंद करने की धमकी। कैंप जेल से फरार कैदी गिरफ्तार। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम को जेल हुकाम के हवाले नहीं किया गया। मुलजिम की तफसीरात भी अभी तक जेल रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ठौकर नियाज बेग के करीब। आरज़ू पनाहगाह का दौरा। कमरे, किचन और बाथरूम्स भी देखे। वज़ीर-ए-आला पनाहगाह में कायम करने वाले लोगों में घुल मिल गए। लोगों से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आला ने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर रात का खाना भी खाया। लोगों के मसाइल पूछे। वज़ीर-ए-आला कहते हैं हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो मुस्तहिक अफराद पर है। लोगों पर कोई एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। ग्रीन टाउन में शौहर का बीवी पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। दो बच्चों की मां सोनिया बीबी भी शौहर के तशद्दुद का शिकार। बहन ने भागकर शौहर से जान बचाई। मुतासर लड़की के भाई का इल्जाम। पुलिस पर भी तआवुन न करने का इल्जाम। मशीन से मेरे बाल उतारे, मेरी उंगली तोड़ ली, मेरे कान का पर्दा फट गया, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। असमा तशद्दुद केस स्टोरी में नए नए इंकशाफात। जालिम शौहर फैसल डाकू भी निकला। बीवी पर तशद्दुद और सर मोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार फैसल के लाहौर के थानों में डकैती के 8 मुकदमा दर्ज। मुलजिम के खिलाफ थाना सतुकतला, जौहर टाउन, कला गुजर सिंह डिफेंस और काना में मुकदमा दर्ज हैं। शौहर डाकू, बीवी डांसर। शौहर के तशद्दुद का शिकार खातून असमा की डांस की वीडियो वायरल। वीडियो में असमा अजीज को रक्स करते देखा जा सकता है। असमा अजीज हाई रोड गाड़ी में साथियों के साथ महवे रक्स है। तीन रोज में खवातीन पर तशद्दुद के 3 वाक़े। आदमिया बीवी के झगड़े का एक और केस मंजरेआम पर। शादबाग में अनीला मुबशर पर खावंद और सास का मुबैना तशद्दुद। ससुराल के 4 साल से तशद्दुद कर रहे हैं। रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया जाता है। मुतासरा खातून का इल्जाम। वज़ीर-ए-आला से नोटिस लेने की अपील। फिर के इलाके में गैरत के नाम पर जमा साला लड़की कत्ल। मकतूला को वालिद अशरफ ने छुरियों के वार करके कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद थाने में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। कत्ल या खुले मेनहोल में गिरने से हलाकत। इकबाल टाउन के इलाके बदर ब्लॉक में गटर से 5 साल बच्चे की लाश बरामद। अजान 2 माह कबल लापता हुआ था। लवाहिकीन ने इकबाल टाउन थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी इकबाल टाउन का जाय वकूआ का दौरा। बच्चे की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहत सामने आएंगी। पुलिसों का शहर में मास ट्रांजिट अथॉरिटी सिस्टम मुतारिफ करवाने का खाद चकनाचूर। ऑरेंज लाइन ट्रेन खुडे लाइन, पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन भी साइड लाइन। गुजरात सरकार ने 2 मेगा मंसूबों की फाइलें बंद कर दी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मंसूबों में पेशरफ्त से भी रोक दिया। रिलीफ नहीं तकलीफ। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए हो जाए तैयार। बिजली और गैस के बाद पेट्रोल पंप भी गिराने की तैयारी। यकम अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। नून लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। और जिलानी पार्क फूलों से महक उठा। खुश रंग के फूल बाहर की आमद का पता बताने लगे। हर सुर्खो सफेद और नीले पीले फूलों की चमक दमक। शहरी जॉक द जॉक फूलों की नुमाइश देखने के लिए आने लगे।